जी आमतौर पर लोगों को देखा गया है कि लोग रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं, तो क्या रमज़ान में ज़कात निकालने से कि तो ज़कात का सवाब बढ़ जाता है? देखिए, ज़कात एक फरीज़ा है, जब इसका वक्त हो जाए तब करना है, वरना इंसान गुनाहगार होगा। अगर रमज़ान से पहले मेरी ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ हो रही है तो मैं रमज़ान तक लेट नहीं कर सकता हूँ, मैं गुनाहगार हो जाऊँगा। जी हाँ, ये किया जा सकता है कि रमज़ान के बाद, ठीक है, शव्वाल में मेरी ज़कात फ़र्ज़ होती है, लेकिन मैं इन एडवांस रमज़ान में देता हूँ, तो ये तो दुरुस्त हो जाएगा, मतलब एडवांस ज़कात देना। जी लेकिन ये तो गलत होगा कि आप ये सोचें कि रमज़ान में ही ज़कात देना चाहिए, लिहाजा ज़कात को रोके रखें, फिर रमज़ान आए, फिर रमज़ान में आप ज़कात दें, ये बिल्कुल गलत होगा। बल्कि जब 355 दिन चांद के एतबार से जो कैलेंडर होता है 1 ईयर हो जाए, तो हमको ज़कात देना हम पर वाजिब है। तो अगर आपने रमज़ान को मामूल बना लिया है कि रमज़ान से रमज़ान देते हो, तो रमज़ान ठीक है, लेकिन ज़कात अगर इससे पहले फ़र्ज़ होती है तो इससे पहले देना है, और इसके बाद होती है लेकिन आप इन एडवांस देना चाह रहे हैं तो यहाँ दे सकते हैं। लेकिन क्या ज़कात का रमज़ान में देने का ज़्यादा सवाब मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ये एक फ़र्ज़ इबादत है, जब हो जाए करना है, जी रमज़ान में कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन लोग सोचते हैं आसानी से हो जाता है, या एक टाइम टेबल बन गया है कि रमज़ान से रमज़ान, तो बहरहाल रमज़ान से रमज़ान है तो आप रमज़ान में ज़रूर उसको दे दें, लेकिन ये रमज़ान से जुड़ी हुई इबादत नहीं, कभी भी की जा सकती है। जी